मौलाना फजल रहमान की जाती उम्र में नवाज शरीफ से मुलाकात। बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल पर इजहार ताजियत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क के गंभीर मसाइल हल होंगे। मसाइल गंभीर हो गए हैं, कर्ज बढ़ चुका है। बिजनेस कम्युनिटी टैक्स अदा करके मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में मावनत करे। कोई भी मुल्क 38 अरब डॉलर का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का लैडीज होटल में तकरीब से खिताब। हल्का ने 124 का जिमनी इलेक्शन। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। U41 में आमद, इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। बोले इलेक्शन में कामयाब होकर अवाम के हकूक की जंग लड़ेंगे। 1 करोड़ बच्चे स्कूल्स से बाहर हैं। हमारा निसाब पुराने जमाने का है, बच्चे कुछ नहीं सीख सकते। तालीमी मियार की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल लाने के लिए वजीफा दिया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का लम्स में सेमिनार से खिताब। इमरान खान ने एक लोटे को टिकट देकर अवाम से मजाक किया। क्या ये वफादारियां बदलने वाले नया पाकिस्तान बनाएंगे? जो किसी पार्टी के ना हो सके वो अवाम के भी नहीं होंगे। ख्वाजा साद रफीक का वॉल्टन में इंतखाबी मुहिम के दौरान खिताब। और पंजाब का बलदियाती निजाम कैसा होगा? इलेक्शन से पहले नई हल्का बंदियां कराने पर गौर। यूनियन काउंसिल के साथ विलेज और लेबर काउंसिल का क्याम अमल में लाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान कहते हैं बल्दियाती मुसवदा अनकरीब असम्बली में पेश करेंगे। नए निजाम से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे।